सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो अगर आप भी SBI बैंक के कस्टमर हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप SBI बैंक के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। डायरेक्टली मैं बात करने वाला हूं कस्टमर केयर से, तो आप भी सीख जाओगे कि कैसे आपको कौन सा नंबर डायल करना है और उसके बाद उसमें क्या आपको बटन प्रेस करना है जिससे कि आप कस्टमर केयर से बात कर पाओगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उससे आपको एक नंबर पे कॉल करना होगा। जो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर है 1800 1234। ये नंबर है जो कि आपको डायल करना होगा 1800 1234। अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको डायल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप इसको डायल करोगे उसके बाद इसको कॉल कर देना है। आपकी जो भी सिम है, जो भी आपकी रजिस्टर सिम है, उससे कॉल कर देना है। जैसे आप कॉल कर दोगे उसके बाद कॉल लग जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ी देर सुनना है। उसके बाद आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको 1 प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 प्रेस कर देता हूँ। जैसे आप 1 प्रेस कर देते हैं उसके बाद आपको इसको सुनना है, थोड़ी देर सुनना है, जैसे कि 5 से 10 सेकंड। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 प्रेस करना है, 4 प्रेस कर देना है। जैसे आप 4 प्रेस कर देते हो उसके बाद करना क्या है कि आपको फिर से इसको सुनना है 10 से 15 सेकंड। तो 10 से 15 सेकंड आपको कोई की नहीं दबाना है, फिर सुनना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 9 प्रेस कर देना है। 9 जैसे आप प्रेस कर देते हैं उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो कॉल है वो डायरेक्टली यहाँ पर कस्टमर केयर के पास ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद आप उससे डायरेक्टली अपनी जो भी कोई कंप्लेंट है वो उसको सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।